जो यहाँ से हेलीकॉप्टर जा रही है वो कैंप में जा रही है और वहाँ आप लोगों को रखा जाएगा फिर वोटिंग स्थल पर ले जाया जाएगा? ये पहली बार है जो इस चुनाव में ऐसा 3 दिन पहले भेजा जा रहा है, नहीं तो पहले 1 दिन पहले ले जाया जाता था। जब हम वोटिंग कराने के लिए जा रहे थे तो क्या है, हम लगभग 10-15 किलोमीटर गए थे तो फिर वो फायरिंग हुई थी उधर से अंदर से, वैसे कुछ घटना घटी नहीं, लेकिन क्या है हम पहली बार गए थे तो एक डर लगता है। तो कितना मुश्किल होता है, कितना रिस्की होता है वहाँ पे जाके वोटिंग कराना? वो लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर जाएंगे हम लोग, वो थोड़ी सी रिस्की है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में मतदान कराना काफ़ी चुनौतीपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये नक्सल बेल्ट है। यहाँ पे कई अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, वहाँ पर जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको हेलीकॉप्टर के जरिए भेजा जा रहा है। हम अभी हैं नारायणपुर में और नारायणपुर में 29 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, वहाँ पर जो मतदान कराने वाले लोग हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, उनको हेलीकॉप्टर के जरिए मतदान केंद्रों पर भेजा जा रहा है। आज तारीख है 4, 7 तारीख को मतदान होने हैं, लेकिन 3 दिन पहले ही ने इन मतदान केंद्रों के आसपास भेजा जा रहा है और वहाँ पर ये लोग रहेंगे। हमने कुछ मतदान कराने वालों से बात की, कुछ के मन में डर भी है, कुछ के मन में लोकतंत्र को लेकर उत्साह भी है, पहले उन्हें सुन लेते हैं। सर आपका नाम क्या है? जी बुद्ध सिंह मंडावी। मंडावी साहब आप कहाँ चुनाव कराने जा रहे हैं? जी अभी ओरछा जा रहा हूँ सर। ओरछा अति संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है, आप लोगों को वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है, तो मन में क्या चल रहा है? नहीं बाई रोड में डर रहता है, लेकिन अभी क्या हेलीकॉप्टर से ले जाया जा रहा है, जो डर है वो नहीं है, क्योंकि हमको ओरछा में ही कराना है तो डर वाली बात नहीं है। ये पहली बार है जो इस चुनाव में ऐसा 3 दिन पहले भेजा जा रहा है, नहीं तो पहले 1 दिन पहले ले जाया जाता था, पर कोई डर नहीं है, पूरी सुरक्षा है हमारे, मतलब हम जिला प्रशासन अच्छे से व्यवस्था किया हुआ है, हमको अपनी ड्यूटी पे जाना है, करना है अच्छे से। वैसे आपने घर वालों को बताया हुआ कि मैं इन इलाकों में जा रहा हूँ, तो घर वालों को खासकर माता पिता या फैमिली का क्या रिएक्शन था, कि क्या कह रहे थे? नहीं नहीं कोई नहीं, आप अपना ड्यूटी करके आइए, अच्छे से जाइए ऐसे करके। जब हम वोटिंग कराने के लिए जा रहे थे तो क्या है, हम लगभग 10-15 किलोमीटर गए थे तो फिर वो फायरिंग हुई थी उधर से अंदर से, वैसे कुछ घटना घटी नहीं, लेकिन क्या है हम पहली बार गए थे तो एक डर लगता है, तो हमें भी डर लगा था क्योंकि जान सबको प्यारा है तो लगा था। तो अब क्या है भाई एयर जा रहे हैं तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, डर भी नहीं है हमको। हाँ पढ़ाते हैं आप, शिक्षक हैं ना? जी शासकीय हाई स्कूल कुरुसनार में लेक्चरर हूँ। आप भी शिक्षक हैं? जी टीचर हूँ। कहाँ पर? ये प्राथमिक शाला कंदारी कुतुल के आसपास। आप कहाँ जा रहे हैं वोटिंग कराने? मैं अभी गोमा गाल ओरछा। कितने लोगों की टीम है आप लोगों के साथ, कितने लोग एक साथ जा रहे हैं? अभी तो हेलीकॉप्टर में हम लोग 9 लोग जाएंगे और एक मतदान केंद्र में हमारा 4 कर्मचारी का ड्यूटी है। तो 9 लोग, तो आज तारीख है 4, 7 को मतदान है, तो आज ही आप लोग चले जाएंगे? हाँ अब हमारे उच्च अधिकारियों का आदेश है और मतदान है अपना, इसलिए थोड़ा जिम्मेदारी से अपना सुरक्षा के दृष्टिकोण से पहले जा रहे हैं। तो इससे पहले भी आप ये अति संवेदनशील इलाकों में वोटिंग कराएं या पहली बार है? नहीं इसके पहले मैं 4-5 बार करा लिया हूँ मतदान में, दल के रूप में कार्य किया हूँ। मैं आपसे पहले एक शिक्षक से बात कर रहा था जो वोटिंग कराने जा रहे हैं, तो कह रहे थे कि इससे पहले सड़क मार्ग से जाते थे, आप भी सड़क मार्ग से जाते थे, कभी कुछ अनुभव, कभी ऐसी घटनाएं जो जिस कारण से नक्सलियों के कारण आप लोगों को इस बार जहाज हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है? नहीं वैसे तो अनुभव तो अच्छा रहा है, अभी तक मैं 4-5 ड्यूटी कराया हूँ, संवेदनशील क्षेत्र रह गया हूँ, पैदल गया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा रहा है अनुभव, और इस बार सुरक्षा के दृष्टिकोण से हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं तो और बहुत अच्छी बात है, बेझिझक होकर अपना ड्यूटी कर सकते हैं। तो कितना मुश्किल होता है, कितना रिस्की होता है वहाँ पर जाके वोटिंग कराना, कोई अनुभव आपका हो? रिस्की तो इसलिए नहीं था सर अभी तक, क्योंकि शिफ्टेड वाले स्थानों में हम लोगों ने मतदान संपन्न कराया है, वो वहाँ वोटिंग प्रतिशत थोड़ा सा कम है, लेकिन इस बार हम लोग जो जा रहे हैं तो ओरछा से थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं, गुदाड़ी एकमात्र हम लोग की पार्टी जा रही है, वो लगभग 3-4 किलोमीटर अंदर जाएंगे हम लोग, वो थोड़ी सी रिस्की है, बाकी तो यहाँ जितने और हैं गुमाकाल गुमर का प्रॉपर ओरछा, ये तो सब वहीं लोकल है तो उतना वो नहीं है। मन में क्या चल रहा है, आप कह रहे हैं 4 किलोमीटर अंदर है, मन में क्या चल रहा है? मन में वही चल रहा है, अभी अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा माहौल और वहाँ से किस प्रकार के हम लोग को ले जाने की व्यवस्था किया गया है, हो सकता है कि हमको 6 तारीख को ही वहाँ फोर्स के साथ ले जाया जाएगा। पहले जो यहाँ से हेलीकॉप्टर जा रही है वो कैंप में जा रही है और वहाँ आप लोगों को रखा जाएगा फिर वोटिंग स्थल पर ले जाया जाएगा? हम लोग तो 2 दिन वहीं रहेंगे, कलर कैंप में 6 तारीख को हो सकता है हम लोग को
मतदान केंद्र में ले जाएंगे। सर उधर वोटिंग का क्या होता है, लोग वोट करने आते हैं? क्योंकि मैं अभी दंतेवाड़ा और सुकमा वगैरह इलाके में घूम रहा था, तो जो अति संवेदनशील इलाके वहाँ वोट करने वाले लोग कोई 15 किलोमीटर से आता है, कोई 20 किलोमीटर से आता है, तो क्या इंतज़ाम होते हैं? मतलब लोग वोट करने आते हैं या नहीं आते? कम आते हैं? बहुत ही कम आते हैं। यहाँ के लोग थोड़ा पढ़े लिखे कम है, पिछड़ा इलाका है, इसलिए थोड़ा सा कम आते हैं। जागरूकता की कमी है अभी भी जी, इसलिए कम होता है यहाँ बाकी जगह की अपेक्षा वोट मतदान। बस्तर संभाग में चुनाव के दौरान अक्सर ही मतदान कर्मियों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले की खबर सामने आती है। 2014 में मतदान कराकर लौट रहे सुरक्षा कर्मियों और मतदान कर्मियों पर नक्सलियों ने हमला कर दिया था, जिसमें करीब 15 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें सीआरपीएफ के जवान और मतदान कर्मी भी शामिल थे। ये नक्सली तब हमला करते हैं जब मतदान कर्मी चुनाव कराकर लौट रहे होते हैं। मन में डर है क्योंकि ऐसे इलाकों में जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। अभी एक आईडी ब्लास्ट किया था उन लोगों ने, बीएसएफ के जो सैनिक है वो घायल भी हुए थे, तो मन में डर वर रहता है? नहीं, बिल्कुल डर वाली बात नहीं है, क्योंकि अपना लोकतंत्र है, अपना गौरव की बात है चुनाव कराना। डर वाली बात ही बिल्कुल नहीं है, ये हमारा देश सेवा की भावना से चुनाव करवाते हैं, जाते हैं। आप लोगों को क्या सुविधाएँ मिलती है इसके अलावा, मतलब बीमा या कोई सुविधा मिलती है यहाँ पर वोटिंग कराने जाने की? हाँ, वो तो बीमा तो है, लेकिन एक जानकारी पूर्णता नहीं है, लेकिन बीमा है। मुझे तो आइडिया नहीं है बीमा, बट होता है जी। जी, शासन से अभी बीमा का है प्रावधान, और जैसे दुर्घटना बीमा वगैरह में कुछ है? अगर हमें बता सके, अगर आपको पता हो कि कितना बीमा होता है, किस किस के लिए बीमा? कंफर्म नहीं है, बट है वैसे। नारायणपुर में बताया जा रहा है कि 29 अति संवेदनशील इलाके हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए वोटिंग जो पीठासीन अधिकारी भेजा जा रहा है, कितना चैलेंजिंग है आपके लिए और क्या तैयारी है? यही नक्सल संवेदनशीलता को देखते हुए हम कुछ लोकेशंस पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से मतदान दलों को भेज रहे हैं, जिससे कि वो सुरक्षित तरीके से अपने मतदान काम को पूरा कर सकें। तो ये एक चैलेंज भी है, बट एक अपॉर्चुनिटी भी है एज पुलिस ऑफिसर इस इलेक्शन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। हेलीकॉप्टर से भेजने के पीछे ये कारण है कि सड़क से जाएंगे तो कोई दुर्घटना घट सकती है? हम कोई भी अप्रिय स्थिति को निर्मित नहीं होना चाहते हैं, तो इसलिए हम एज सिक्योरिटी रीजंस हम उनको हेलीकॉप्टर से भेज रहे हैं। यहाँ पे वोटिंग परसेंटेज की भी नक्सली इलाकों में कम हो जाता है, क्योंकि काफ़ी दूर दूर वोटिंग सेंटर भी होता है, उसके लिए आप लोगों की क्या तैयारी है कि लोग वोट करने आएँ, उसके लिए कोई तैयारी है? उसके लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर स्वीप एक्टिविटीज़ करती हैं, जिसके थ्रू मतदाताओं को जागृत किया जाता है। रेगुलर हम लोग एरिया डोमिनेशन और पेट्रोलिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कोई भय का वातावरण ना रहे, और हम वोटर से हमेशा अपील करते हैं कि वो बढ़ चढ़ कर आकर वोटिंग करें। कितने जगहों पे लोगों को हेलीकॉप्टर से भेजा जा रहा है सर? इसकी जानकारी अभी आपसे शेयर नहीं कर सकते, बट कुछ ऐसे लोकेशन हैं जहाँ पर भेजा जा रहा है। 7 तारीख को चुनाव है, क्या तैयारी चल रही है, कितने फोर्सेज को बाहर से लाया गया है? हमारे पास जो स्पेशल फोर्सेस है, DRG, STF, कोबरा और सेंट्रल आर्म्ड पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसा CRPF, BSF, ITV, PSSB, तमाम सुरक्षा बल हमको पहले से उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त बाहर से भी चुनाव आयोग के माध्यम से हमको एडिशनल फोर्सेस भी चुनाव के लिए आवंटित हुआ है। इन सब फोर्स को लेकर हम काफ़ी एक सिस्टमेटिक एक सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान बना कर रखा है। हमारे पास अभी वर्तमान में जो महिला कमांडर्स भी काफ़ी अच्छी संख्या में है, उनका भी जो मतदान केंद्र ड्यूटी के साथ साथ जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए आसपास इलाका में उनको भी उपयोग की जा रही है। बस्तर रेंज में टोटल 35 ऐसा पोलिंग बूथ है, जिसमें हम फुल्ली जो महिला सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय करेंगे, ताकि जो जो फीमेल जो वोटर्स हैं उनके लिए कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग के लिए, उनका एक समाज में एक सकारात्मक संदेश देने के लिए ये प्रयास पहली बार भी की जा रही है। इस प्रकार हमारा जो जितना भी रिसोर्स हमारे डिस्पोजल में है, उसका काफ़ी सिस्टमेटिकली और वेल ऑर्गेनाइज तरीके से उपयोग करके चुनाव प्रक्रिया को कम्प्लीट करने के लिए हमारी कोशिश है। अभी इसको लेकर ओरछा जाएगी वायुसेना का हेलीकॉप्टर, और वहाँ पे ये लोग 7 तारीख को वोटिंग कराएंगे। अभी हम नारायणपुर में एक हेलीकॉप्टर आपको यहाँ दिख रहा है, दूसरा सामने दिख रहा है, ये वायुसेना का हेलीकॉप्टर है, और इसी के जरिए जो पीठासीन अधिकारी है, जो वोटिंग कराने वाले लोग हैं, उनको मतदान केंद्रों पर भेजा जाएगा। जैसे कि अधिकारियों यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि 2 दिनों तक इनको कैंप में रखा जाएगा, जो कैंप बने हुए हैं उसके बाद इन्हें मतदान केंद्र पर भेजा जाएगा। न्यूज लॉन्ड्री आप सबके सहयोग से काम करता है। 5 राज्यों में अभी विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, इन राज्यों से न्यूज लॉन्ड्री और द न्यूज मिनट के रिपोर्टर आप तक खबरें लेकर आ रहे हैं। मैं अभी छत्तीसगढ़ में हूँ और मैं यहाँ से स्टोरेज कर रहा हूँ।
अगर आपको हमारा काम पसंद हो तो अभी NLTNM इलेक्शन फंड पर क्लिक कर अपने मन मुताबिक राशि चुने। 5 महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप यानी न्यूज देखने और पढ़ने वाले मुद्दों की तह तक पहुंचे। ऐसे में आज ही newslaundry.com/election fund पर जाएं। तो सपोर्ट कीजिए स्वतंत्र मीडिया को ताकि आपको एजेंडा और पक्षपात से आजाद खबरें मिल सकें।